फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। गाइज, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार तरीका मशीन ठीक करने का। पहले तो हम आपको बताते हैं कि मशीन में प्रॉब्लम क्या है। गाइज, प्रॉब्लम इसमें यह है कि हमारी मशीन की निडल ये टूट गई है। निडल टूटने से क्या हुआ कि अब हमारी जब हमने दोबारा निडल चढ़ाई तो हमारी मशीन सिलाई छोड़ छोड़ कर, यानी कि टाँके छोड़ छोड़ कर देने लगी है। तो प्रॉब्लम तो काफ़ी है लंबी, अब क्योंकि एकदम मशीन सही चल रही है एकदम प्रॉब्लम देने लगे तो फिर टेंशन हो जाती है। गाइस, आपको भी होती होगी और परेशान भी हो जाते होंगे और कई तरीके के वीडियो देखने पड़ते हैं। तो चलिए गाइस, आपको और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले तो हम आपको बताते हैं कि हमारी सुई टूटी कैसे। इस तरीके से हम लैस को सिल रहे थे, देख सकते हैं कि भाई लैस प्रॉब्लम यहाँ पर आई थी। यहाँ पर हम जो सिल रहे थे लैस को, तो लैस को सिलते सिलते क्या हुआ, यहाँ पर ये मोती आ गया नीचे और इस तरीके से हमने सिलाई की तो इसी के ऊपर टकरा के और निडल हमारी टूट गई। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसका सलूशन भी दिखाएंगे। तो गाइज, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो भी माताएं मैंने वीडियो देख रही हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देख सकते हैं गाइज, देख सकते हैं गाइज, कुछ इस तरीके से इतने बड़े बड़े टाँके दे रही है। कहीं पर लग रही है सिलाई सही तो कहीं पर नहीं लग रही है। तो गाइज, जब मोटा हिस्सा आ जाता है तो इस तरीके के टाँके देती है, दूर दूर दे रही है, यानी कि कहीं पे सही है तो कहीं पर बिल्कुल ही बेकार है। देख सकते हैं गाइज, कुछ इस तरीके से टाँके छोड़ रही है। देख सकते हैं, धीरे सिलो स्पीड में दिखाएं तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि ये प्रॉब्लम दे रही है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें, देख सकते हैं। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो निडल देखनी है कि हमारी निडल शटल में सही से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस पटरी को ओपन कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम यहाँ पर शटल पकड़ेंगे और उसके बाद घुमाएंगे तो देख सकते हैं हमारी ये चीज़ घूम रही है और शटल नहीं घूम रही है। बस यही प्रॉब्लम थी, इसीलिए ये हमारी सेटिंग इसकी गड़बड़ हो गई है। तो हमें अब शटल को सही से सेट कर लेना है, क्योंकि हमारी बस थोड़ा निडल को ऊपर कर लेंगे इस तरीके से ऊपर उठा के और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम इसे कस लेंगे। जी, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारी मशीन सही हुई या नहीं हुई है। बस इस तरीके से कस लें, कोई ना कोई बोल्ट लूज होने की वजह से ये प्रॉब्लम। शायद ये प्रॉब्लम और भी कहीं पर हमें लग रही है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने अच्छे से कस दिया है, इसका मतलब है। तो फ्रेंड्स देखें, जो ये शटल से हमारा जो सेटिंग इसकी है, जो शटल से कनेक्ट है ये वाली रॉड, तो इस रॉड में ये वाले भी पेंच टाइट कर लें, क्योंकि इन पेंचों को अगर ये लूज हो जाएंगे तो भी हमारी शटल की सेटिंग ख़राब हो जाती है। उसके बाद ये वाला, अगर ये वाला सिस्टम इसके ऊपर वाली गरारी अगर ये भी अगर लूज हो जाती है तब भी यही प्रॉब्लम आ जाती है। तो गाइस, इतना करने के बाद अब हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई। चलिए देखते हैं चेक करके। तो गाइस, एक बार शटल की सेटिंग ज़रूर देख लें। जो हमारा ये सुई का चपटा वाला हिस्सा है उसके बिल्कुल बीचों बीच में ही ये शटल की ये नकुन निकले, तभी हमारी मशीन सही काम करेगी। ये वाली जो नकुन है, जो सुई का चपटा वाला हिस्सा है, अभी चपटा वाले हिस्से से थोड़ा नीचे चल रही है तो हमारी मशीन सही काम नहीं करेगी। तो हमें चपटे वाले हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच में करनी है। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से बोल्ट को खोल लेना है, धीरे धीरे से बोल्ट को खोलना है, बारी बारी से इस तरीके से थोड़ा नीचे कर लें, सुई को नीचे कर लें इस तरीके से, और बिल्कुल चपटे वाले हिस्से को क्रॉस करेगी तभी हमारी मशीन सही काम करेगी। तो हम टाइट कर लें हल्के से, तो अब हमारी बिल्कुल बीचों बीच में घूम रही है। तो अब हम पेंचों को कस लें, बस हमारी ये सेटिंग तो फाइनली हो गई है। अब कोई प्रॉब्लम आगे होगी तो वो भी हम देखेंगे। फिलहाल में
अभी हम इसे टाइट कर लें, हमारी मशीन अब सही चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। इस तरीके से सेट कर लें, देख सकते हैं ये चपटा वाला हिस्सा है, इस चपटे वाले हिस्से को बीचों बीच में क्रॉस करती हुई हमारी मशीन निकले, तो समझ लो आपकी सेटिंग बिल्कुल सही है। अब हम सारी कुछ कस के उसके बाद हम आपको बताएं, हल्के हल्के कसें तभी हमारी मशीन सही चलेगी, नहीं तो मशीन टाइट भी हो जाती है कभी कभी। तो इस तरीके से बारी बारी से सभी पैंचों को हल्के हल्के से कसें, बस चेक करते रहें कि हमारी मशीन टाइट तो नहीं हो रही है कहीं। देख सकते हैं एक पैंच ज़्यादा टाइट होने से भी हमारी मशीन टाइट चलने लगती है, मशीन अभी भी टाइट चल रही है। भाई वीडियो को ध्यान से वॉच करें, प्रॉब्लमें सभी के पास ऐसी आती हैं और उन्हें सुधारा भी ऐसे ही जाता है। हल्के हल्के से सभी पैंचों को टाइट कर लें तब हमारी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई मशीन मेरी टाइट चल रही है अभी भी, तो हम थोड़ा ऑयल डाल लें इसमें, उम्मीद है कि ऑयल से भी हमारी मशीन कुछ परसेंट सही हो जाएगी। चलिए सही है, चलिए अब हम इसे कस लेते हैं। इस तरीके से कस लेते हैं, अब चेक करके देखते हैं हमारी मशीन सही हुई है या नहीं हुई। हमारी मशीन सही हो गई होगी बिल्कुल, अब हम चेक करके दिखाएंगे। तो भाई चलिए हम चेक करके देखते हैं कि हमारी मशीन क्या रिजल्ट दे रही है। देख सकते हैं भाई अब हमारी मशीन बिल्कुल चकाचका एकदम बढ़िया, देख सकते हैं कोई भी चूका मारने की प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एकदम सही देने लगी। उम्मीद है कि आप लोगों ने इतनी देर वीडियो देखा तो कुछ लाभ ज़रूर मिला होगा। आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी माताएं बहनें भाई वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।